नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु केस स्टडी पर आधारित है। ये मेरी एक क्लाइंट है, और जब कोई लेडीज़ होती हैं और ज्योतिष की जो ट्रेडिशनल रेमेडीज़ होती हैं, पारंपरिक रेमेडी, और उनको करने में वो असमर्थ होती हैं, जैसे ससुराल में होने के कारण, और ख़ासकर जब पारिवारिक समस्या हो रिलेशन में, यानी हस्बैंड से या फिर अपने सासू से, ननद से, ऐसी वाली जो समस्या होती है, तो फिर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई बार कुछ लोग अलग अलग अर्थ भी लगा लेते हैं, जादू टोना, ये कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इनका मेन प्रॉब्लम ये था कि इनके अपने बच्चे के कारण, एक इनका बेटा था, और वो जैसे उसने कुछ शरारत कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो फिर पति पत्नी में झगड़ा हो गया। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि पति उस बात को नहीं समझते थे और बच्चे के किसी शरारत के कारण इनसे झगड़ा कर लिया, या फिर उसी के कारण इनके अपने अपने सासू माँ से झगड़ा हो गया। यानी कुल मिलाकर जो फैमिली का प्रॉब्लम था उससे ये परेशान थे, और उनको कुछ ऐसा ये रेमेडी चाहिए था कि किसी के नज़र में भी ये ना आए, कोई देखे भी ना, और ये आसानी से कर लें। आइए देखते हैं। जैसे इन्होंने कहा, और ये मैं कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा सा डिस्क्लोज कर रहा हूँ, समझिएगा, इन्होंने कहा पति से भी झगड़ा होता है संतान के कारण। झगड़ा है तो कहीं ना कहीं वो प्रेम भी कम हो गया होगा, पति पत्नी की भी जो अट्रैक्शन है वो भी कम हो गया होगा। तो एक्चुअल में जो प्रेम है वो पांचवें भाव से स्टार्ट होता है, और संतान का भी फिफ्थ हाउस है। और यहाँ इस पांचवें भाव में देखेंगे तो जो बारहवें का स्वामी है वो जुपिटर बैठा हुआ है, जुपिटर। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ से उठाया कि पांचवें में जुपिटर का प्रेजेंस प्रॉब्लमेटिक है। तो इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग मैंने पूछा कि क्या आपके घर के ईस्ट में, पूर्व दिशा में, जुपिटर से रिलेटेड कोई आइटम है। इन्होंने पूछा जुपिटर रिलेटेड आइटम क्या हो सकता है। मैंने कहा येलो कलर हो गया, भगवान का, किसी भी देवी देवता का फोटो हो गया, या पूजा स्थान हो गया। इन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा आप अपने घर के ईस्ट का, घर के सेंटर से खड़ा होकर और वो फोटो भेजिए, फिर मैं क्लियरली वहाँ से निकाल के मेंशन कर लूँगा। तो इन्होंने वो मुझे फ़ोटो भेजी, और मैं फ़ोटो जब देखता हूँ तो वहाँ पे किसी भगवान की फ़ोटो नहीं, साथ ही साथ वहाँ येलो कलर का भी प्रेजेंस नहीं, लेकिन एक बुक की सेल्फ थी, किताब रखने की जो अलमीरा होती है वो सेल्फ था, और उस सेल्फ में कुछ धार्मिक किताबें थी। मैंने पूछा, वो मुझे दिखा नहीं फोटो से, क्योंकि बुक का सेल्फ होने के कारण मैंने पूछा, तो इन्होंने कहा कि हाँ ये धार्मिक किताबें हैं। तो मैंने बोला कि यदि आप इसका प्लेस चेंज कर दें, किसी दूसरे जगह यदि रखने का हो वहाँ चेंज कर दें, फिर देखते हैं। इन्होंने कहा हाँ ये मैं कर दूँगी, इसमें कोई इशू नहीं। मैंने कहा ठीक है, इसे आप कर दो। अगला स्टेप जो मैंने उठाया, आठवें का सब लॉर्ड है सनी, एट्थ का सब लॉर्ड सनी, और ये छठे भाव में। इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग मैंने ये कहा कि क्या आपके घर के नॉर्थ में सनी से रिलेटेड कोई आइटम है। सनी से रिलेटेड आइटम, ब्लैक कलर, कोई भी स्टोरेज, चमड़े की कोई आइटम, ऐसा कुछ है क्या, या लोहे का कोई आइटम, जंग लगने वाली, ऐसा कुछ। तो नॉर्थ में ऐसा कोई आइटम रखा हुआ नहीं था, नॉर्थ में ग्रिल था, लोहे की ग्रिल होती है ना, वो लोहे की ग्रिल थी, और उसमें ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ था। अब इसमें ये क्या कर लेते हैं, ये तो पेंट चेंज नहीं करा पाएंगे, तो वहाँ समस्या हो जाती। तो फिर मैंने इनके बॉडी पे इसके जो प्लेसमेंट है, यहाँ से रिप्लेस करना था, तो वो मैंने इनके बॉडी पे कराया, तो इसका ये रेमेडी कर दिया, और यहाँ से ईस्ट से जुपिटर के सामान को मैंने हटवा दिया। और मैंने कहा कि अब आप देखिए कुछ दिन फिर क्या होता है, कैसा होता है, नेक्स्ट स्टेप हम बात करेंगे। लगभग 15 से 20 दिन बाद इनका मैसेज आया कि पहले से काफ़ी रिलीफ है, काफ़ी आराम है। मैंने कहा चलो अच्छा है।
दूसरा, अब ये दो हो गया था, तीसरा स्टेप देखिए, यहाँ पे राहु के साथ मून है, राहु और मून ये भी प्रॉब्लम करते हैं कई बार, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनके हस्बैंड में प्रॉब्लम थी, लेकिन राहु और मून है कहीं ना कहीं ये इनके अपने चंद्रग्रहण दोष बना रहा है, तो अपनी मानसिक क्षमता जो सोचने की क्षमता है उसको ये प्रभावित कर रहा होगा, इनको जल्दी गुस्सा ये चीज़ें आ रही होंगी। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए क्या करवाया, मैंने पूछा कि क्या आपके घर में पांचवा घर इनकी कुंडली का इष्ट है, क्या वहाँ राहु का कोई समान है? वहाँ राहु का कोई समान नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है, वो चूँकि फोटो मेरे पास था ही, वहाँ से सही है। उसके बाद फिर मैंने देखा कि क्या राहु और मून कहीं इनके कुंडली में एक साथ हो रहे हैं, राहु और मून कैसे एक साथ होंगे, ब्लू कलर का कोई वाटर पॉट होगा, ब्लू कलर राहु और मून आ गया, समझ में आ रहा है, नॉर्थ में ब्लू कलर के पर्दे थे, नॉर्थ आ गया वाटर का जोन, ठीक है, और ब्लू कलर का पर्दा, तो ब्लू कलर नॉर्थ में प्रेजेंस हो गया, ये तो राहु आया, लेकिन मून कहाँ आया, समझिएगा ध्यान से, नॉर्थ में राहु आया लेकिन मून नहीं आया, मून की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ है मर्क्यूरी यानी बुध का डायरेक्शन। तो चूंकि इनके घर का मैप नहीं था और मैप नहीं होने के कारण दिशाओं का एक्चुअल ज्ञान नहीं था, क्योंकि जब आपके पास मैप होता है तो फिर डिग्री के हिसाब से हमें पता चलता है। कई बार जैसे आपने मेरे वास्तु के वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ मैंने दिखाया है कि नॉर्थ ईस्ट घर के बीचों बीच भी आ सकता है, और कई बार जिसे हम कॉर्नर वाला यानी साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये जो कॉर्नर के डायरेक्शन से वो बीचों बीच आ जाते हैं, नॉर्थ वाला हिस्सा कॉर्नर पर चला जाता है, ईस्ट भी कॉर्नर पर आ जाता है। तो ये मैंने वहाँ पर इस चीज़ को एज्यूम किया कि हो सकता है जिसे मैं नॉर्थ समझ रहा हूँ या ये भी नॉर्थ समझ रही है, कहीं वो नॉर्थ वेस्ट का भी कुछ पार्ट आ रहा हो, कुछ हिस्सा आ रहा हो, क्योंकि मैप ये बनवा नहीं सकते थे और मैप का कुछ मेरे पास, मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये रेडी होती तो फिर गूगल अर्थ के थ्रू डिग्री लेके फिर फ्लोर प्लान ऐसे करके हम ग्रेडिंग करते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि किसी भी बहाने से आप पर्दे को चेंज करो, यदि वहाँ से प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि नॉर्थ वेस्ट का भी हिस्सा उसमें आ रहा था। तो फिर वहीं इन्होंने जैसे अपना जो किया हो पर्दे को इन्होंने चेंज किया, बोला कोई क्या दूसरा मैं लगा सकता, मैं बोला हाँ आप दूसरा कलर वहाँ लगा सकते हैं, वाइट कलर के पर्दे लगा दो, कोई इशू की बात नहीं है। तो वाइट कलर के पर्दे इन्होंने लगा दिए साफ करने के बहाने, और फिर उसके बाद 15-20 दिन हमने वेट किया और लगभग 90% इनकी जो समस्याएं थी अपने रिलेशन को लेके, वो लगभग 1.5 महीने में ये छोटे छोटे 2-3 अरेंजमेंट करने के बाद क्लियर हो गए। तो ये एस्ट्रो वास्तु सिर्फ हीट थ्योरी नहीं है कि आपने हीट को देखा या हाउस एक्टिवेट किया, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के अनुसार उसे अटैच करना पड़ता है, जोड़ना होता है, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। यदि आप भी इस डिवाइन साइंस को सीखना चाहते हैं तो 15 अगस्त से हमारा ये बैच चालू हो रहा है ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु का, 32,000 रुपये फी है, कोर्स के बाद 2 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट भी है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बने रहिए, मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के साथ। धन्यवाद।